नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। वो दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोल रहे थे। पीएम की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देश की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसानों ने आंदोलन शुरू कर रखा है, विपक्षी पार्टियों ने ताल ठोक दी है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मजबूत नेता के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन कामयाबी ज्यादा नहीं मिल पा रही है। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करके थक चुकी है, लेकिन उन्हें नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उनका सपना टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाने की बात कर रहे हैं। दुबई में पीएम मोदी ने कहा कि दुबई जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का केंद्र बन चुका है, वैसे ही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रही चुनौतियां भी उतनी ही व्यापक हो रही हैं। खाने की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, पानी की सुरक्षा हो, ऊर्जा की सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। इन 23 वर्षों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मैंने हमेशा एक ऐसा वातावरण बनाने पर जोर दिया जिसमें नागरिकों में उद्यम और ऊर्जा की भावना विकसित हो। पीएम ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के वाक्य पर चलते हुए सैचुरेशन की अप्रोच पर बल दे रहे हैं। सैचुरेशन की अप्रोच यानी कि सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं, सरकार खुद उस तक पहुंचे। गवर्नमेंट्स के इस मॉडल में भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। पीएम ने कहा कि हमने गवर्नमेंट्स में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील हैं। हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों को पूरा करने पर ध्यान दिया। भारत आज सौर, हवा, जल के साथ साथ बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल हो उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी कि वातावरण के लिए जीना। उन्होंने कहा हम ना केवल सरकारों के साथ उपस्थित चुनौतियों का समाधान करेंगे, बल्कि विश्व बंधुत्व को भी मजबूती देंगे। एक विश्व बंधु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक दशक में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इसी अवधि में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 26 गुना बढ़ गई, हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी दोगुनी हो चुकी है, और हमने इस संबंध में अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को अपनी सीमा से पहले ही पार कर लिया। प्रधानमंत्री के इन भाषण पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।